अब 24 घंटे सूर्य पर नजर रखेगा भारत। इसरो का सबसे बड़ा मिशन, जानिए क्या है आदित्य L1 मिशन। चांद के बाद अब भारत का इसरो सूर्य पर जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, चांद को मुट्ठी में करने के महज 3 दिन बाद ही इसरो सूर्य को मुट्ठी में करने की यात्रा में निकल पड़ेगा। चांद पर चंद्रयान 3 23 अगस्त को पहुंचेगा और इसके महज 3 दिन बाद ही 26 अगस्त को इसरो अपना अगला मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर देगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं आसान भाषा में आखिर ये आदित्य L1 मिशन क्या है और चांद के बाद सूरज पर क्या करने जा रहा है इसरो, और साथ ही जानेंगे अब तक कौन कौन से देश सूर्य पर जा चुके हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से स्टेप बाय स्टेप हिंदी में। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। आदित्य L1 उपग्रह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा शुरू किया गया मिशन है, जिसके माध्यम से इसरो द्वारा सूर्य के वातावरण संबंधित विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 को अंतरिक्ष में ऐसी जगह स्थापित किया जाएगा जहां से सूर्य पर होने वाली घटनाओं पर 24 घंटे अध्ययन किया जा सकेगा। इसरो द्वारा पहले इस मिशन का नाम आदित्य 1 रखा गया था, परंतु इसके पश्चात इस मिशन के दायरे को बढ़ाते हुए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। इस नाम बदलने के पीछे भी दिलचस्प कारण है जो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सूर्य के पास तो कोई भी चीज जाएगी तो तुरंत जलकर राख हो जाएगी, तो ये उपग्रह वहाँ कैसे टिकेगा? तो इसका जवाब है लग्रांज बिंदु। लग्रांज बिंदु अंतरिक्ष में वो बिंदु है जहाँ विभिन्न पिंडों जैसे सूर्य या पृथ्वी, सूर्य या चांद, सूर्य या अन्य पिंड के मध्य गुरुत्वाकर्षण एवं प्रतिकर्षण से गुरुत्व का मान संतुलित हो जाता है, उस जगह को लग्रांज बिंदु कहते हैं। दरअसल ये वही ऑर्बिटल है जो सूरज और पृथ्वी के बीच का पहला लॉग्रंगियन पॉइंट है। लॉग्रंगियन पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसी स्थिति होती है जो पृथ्वी से भेजी गई चीज को वहाँ रोके रखती है। इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव और कक्षा की गति संतुलित रहती है, यानी आदित्य L1 को सूर्य पर नहीं भेजा जा रहा बल्कि सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसी जगह रखा जाएगा जिसे लैग्रांज बिंदु बोला जा रहा है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभा मंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी बाधा के लगातार 24 घंटे देख सकते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य 5 लैग्रांज बिंदु हैं, जो कि L1, L2, L3, L4 और L5 हैं, जो कि प्रभा मंडल कक्षा में स्थित होते हैं। आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रांज बिंदु L1 पर रखा जाएगा, इसी कारण इसका नाम बदलकर आदित्य L1 रखा गया है। सूरज के विस्तृत अध्ययन के लिए आदित्य L1 उपग्रह में इसरो द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं, जिनसे सूर्य के वातावरण संबंधित विस्तृत डाटा प्राप्त हो सकेगा। आइए अब जान लेते हैं आदित्य L1 में लगे इन उपकरणों के बारे में। सबसे पहले इसमें विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ यानी VELC लगाया गया है, जो कि सौर कोरोना एवं चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी देगा। इसमें सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी सूट लगाया गया है, जो कि सूर्य के फोटोस्फीयर एवं क्रोमोस्फीयर के अध्ययन के लिए काम आएगा। इसमें आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी ASPEX लगाया गया है, जो कि सौर उत्सर्जन एवं विचलन के अध्ययन के लिए काम आएगा। इसमें प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज 4 आदित्य यानी PAPA लगाया गया है, जो कि सौर तूफानों की प्रकृति एवं विचलन की स्टडी हेतु काम आएगा।
इसके अतिरिक्त इस मिशन में सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेटोमीटर तथा हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी शामिल किए गए हैं। आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या भारत ही पहला देश है जो सूरज पर जा रहा है, या इससे भी पहले काफी देश सूरज पर जा चुके हैं। तो आपको बता दें, सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। इनमें से एक ही मिशन फेल हुआ है, एक आंशिक रूप से सफलता हासिल कर पाया था। सबसे ज्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायोनियर 5 साल 1960 में भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। इनमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर हैं, यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक मिशन फ्लाई बाई है, दूसरा सैंपल रिटर्न था। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अब तक सूरज के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। हालांकि ये अब भी सूरज के तय ऑर्बिट में पहुंचने में समय लेगा, क्योंकि ये अब भी रास्ते में ही है। नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने 4 मिशन किए हैं। ये थे उलिसस और सोहो। उलिसस के 3 मिशन भेजे गए हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अकेले सिर्फ एक मिशन किया है, वो है सोलर ऑर्बिटर। ये 2 साल पहले लॉन्च किया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट अब भी रास्ते में है। वहीं जर्मनी ने 2 मिशन किए हैं, दोनों ही नासा के साथ मिलकर। पहला 1974 में और दूसरा 1976 में। दोनों का नाम हेलियोस ए और हेलियोस बी था। नासा का 1969 में भेजा गया पायोनियर ई स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिटर था जो फेल हो गया था। ये अपनी तय कक्षा में पहुंच ही नहीं पाया। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उलिसस 3 मिशन जो साल 2008 में भेजा गया था, वो आंशिक रूप से सफल था। उलिसस ने शुरुआत में कुछ डेटा भेजा, बाद में उसकी बैटरी खत्म हो गई, वो ट्रांसमिशन नहीं कर पाया। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना। उसने सफलता हासिल की और सौर हवाओं का सैंपल लिया और धरती की तरफ लौटा, लेकिन यहाँ पर उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने अधिकतर सैंपल कलेक्ट कर लिए थे। अब जानते हैं क्या काम करेगा भारत का आदित्य L1। आदित्य L1 को अंतरिक्ष में ऐसी जगह स्थापित किया जाएगा जहां से सूर्य पर होने वाली घटनाओं पर 24 घंटे अध्ययन किया जा सकेगा। इसके माध्यम से इसरो द्वारा सौर कोरोना, सूर्य के वातावरण, सौर हवा, कोरोनल मास इजेक्शन CME, सौर उत्सर्जन, सौर तूफानों एवं सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सौर कोरोना, सौर तापमान, कोरोनल मास इजेक्शन CME और सौर उत्सर्जन क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं इसका भी जवाब। सौर कोरोना को सूर्य किरीट या सूर्य मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। ये सूर्य का बाहरी आवरण होता है जो कि सूर्य ग्रहण के समय ही दृश्यमान होता है। इसका तापमान अत्यंत अधिक होता है जो कि 6000 केल्विन के समीप होता है। सौर उत्सर्जन, सूरज द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली विकिरण को सौर उत्सर्जन कहते हैं। सौर तापमान, सूरज की सतह अत्यंत गर्म होती है जिसे कि क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोनल मास इजेक्शन CME, सूर्य से कोरोना एवं संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का निर्वात में उत्सर्जन कोरोनल मास इजेक्शन कहलाता है। अब अंत में जानते हैं कब लॉन्च होगा आदित्य L1 और इसको पहुंचने में कितना समय लगेगा। माना जा रहा है कि भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 26 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने लॉन्चिंग लागत को छोड़कर
378.53 करोड़ रुपए की भारी लागत से इस परियोजना को बनाया है। इसरो आदित्य L1 उपग्रह को तैनात करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV का उपयोग करेगा। लॉन्च के बाद मिशन को, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 बिंदु के आसपास हेलो कक्षा तक पहुंचने में लगभग 109 दिन लगने की उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस मिशन के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आदित्य L1 और चंद्रयान 3 मिशन पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।